डेरीज को सिक्योर और ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फार्म टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस करवाई, पाकिस्तानी नौजवान जिनका नाम फैजान फरूक है। हमें एक रिक्वायरमेंट थी कि डेयरी इंडस्ट्री की ऑटोमेशन की एक रिक्वायरमेंट थी, तो उसको देखते हुए हमने उसको फोकस करते हुए एक चीज़ डेवलप की है। ये मिल्की वे सिस्टम है हमारा, ये डेयरी फार्मर के लिए कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है ऑटोमेशन का। फार्मर कहीं भी हो वो अपने फार्म से इन टच रह सकता है हमारे सिस्टम की बदौलत। और ये सिस्टम एनिमल के दूध के एक कतरे से लेके उसकी हेल्थ तक हर चीज़ उसको एट हिज फ़ोन और लैपटॉप प्रोवाइड करता है। वो दुनिया में हो किसी भी कोने में वो उसको रीच है उसके पास। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, डेरीज को सिक्योर और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फार्म टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस करवाई, पाकिस्तानी नौजवान जिनका नाम फैजान फरूक है, उन्होंने मुतारिफ करवाई ताकि दूध की क्वांटिटी से लेकर एक कतरे से लेकर उसकी क्वालिटी, जानवर की देखभाल, उसको खाना, बीमारी, हर चीज़ को मेयर करने के लिए जो टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई ताकि कोई दूसरे शहर में रहकर भी अपने डेयरी को अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सकता है, उस हवाले से आपको मिलवाएंगे फैजान फरूक से। तो चलते हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप कैसे हैं? सबसे पहले आपको मुबारक हो कि आप मेड इन पाकिस्तान है, यानी जो प्रोडक्ट आपने बनाई बड़ी यूनिक है, उसके हवाले से मुझे थोड़ा सा बताएं कि क्या चीज़ है और कैसे फंक्शन करते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, ये हमारी कंपनी है इलेक्ट्रिक फार्म टेक्नोलॉजी के नाम से। हमें एक रिक्वायरमेंट थी कि डेयरी इंडस्ट्री की ऑटोमेशन की एक रिक्वायरमेंट थी, तो उसको देखते हुए हमने उसको फोकस करते हुए एक चीज़ डेवलप की है। ये मिल्की वे सिस्टम है हमारा, ये डेयरी फार्मर के लिए कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन है ऑटोमेशन का। फार्मर कहीं भी हो वो अपने फार्म से इन टच रह सकता है हमारे सिस्टम की बदौलत। और ये सिस्टम एनिमल के दूध के एक कतरे से लेके उसकी हेल्थ तक हर चीज़ उसको एट हिज फ़ोन और लैपटॉप प्रोवाइड करता है। वो दुनिया में हो किसी भी कोने में वो उसको रीच है उसके पास। ये सिस्टम जो है कंसिस्ट करता है एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ साथ। इसमें हार्डवेयर में हमारे कंट्रोलर्स लगे हुए हैं और वो कंट्रोलर्स जो हैं वो मॉनिटर और मैयर करते हैं एनिमल के मिल्क को, उससे लेके वो सब। इसकी यूनिक चीज़ ये है कि, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी मेड चीज़ है ये, इसके अंदर यूनिकनेस ये है कि दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है जो लिंक्ड हो इंटरनेट से। ये हमारा जो सब इक्विपमेंट लगा हुआ है ये सारा लिंक्ड है इंटरनेट से। जैसे ही डाटा एनिमल से लेता है वो सारा डाटा थ्रो कर देता है अपने सॉफ्टवेयर पे। सही, मुझे बताएं कि जानवर से डाटा कैसे लिया जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, स्कैन कैसे किया जाता है उसको, और फिर उसके बाद, यानी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एनिमल्स को क्लस्टर लगाए जाते हैं, ये एक मिल्किंग इक्विपमेंट है, इसको मिल्किंग पार्लर कहते हैं। जब दूध एनिमल का निकलता है तो डायरेक्ट हमारे मीटर में जाता है, ये मिल्क मीटर है। और जो आपको नीचे चीज़ नज़र आ रही है इसको मिल्क पॉइंट कंट्रोलर कहते हैं। हमारा कंट्रोलर मेजरमेंट लेना शुरू करता है उधर से मिल्क की, मिल्क उसमें आता जाता है और मेजर करके डंप करके चिलर में जाता रहता है लाइंस के थ्रू। ये आपको लाइंस नज़र आ रही है, ठीक है जी। अब जो मिल्क इसके अंदर आता है वो डिफरेंट एनालिसिस इससे करता है। एक तो क्वान्टिटी ले लेता है यहाँ से, और नंबर टू वो इसको दूध को एनालाइज भी करता है। एनिमल अगर बीमार होगा तो ये इन्फॉर्मेशन भी चली जाएगी हमारे सॉफ्टवेयर में कि ये एनिमल, और एनिमल का जो आइडेंटिफिकेशन है वो उसका टैग है। जानवर के कान में एक स्पेसिफिक किस्म का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड टैग लगाया गया है, उसको RFID टैग कहते हैं। वो RFID टेक्नोलॉजी है बेसिकली। अब जो हमारे ये रीडर्स लगे हुए हैं इस पॉइंट पे, एनिमल आके खड़ा होता है, रीडर रीड हो जाता है जी, वाइट कलर का जो आपको नजर आ रहा है, ये रीड कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि आइडेंटिफिकेशन ये एनिमल है कौन सा। अब 400 एनिमल का हर्ड है तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा एनिमल कहाँ आया था, लेकिन ये बता देता है उसको, ठीक है जी। जैसे ही यहाँ से वो रीड करता है वो डाटा जो है आपका हमारे MPC में आता है। आफ्टर एट द एंड ऑफ द मिल्किंग ये डाटा रिकॉर्ड कर लिया जाता है और रियल टाइम नोटिफिकेशन ओनर को उसी वक्त जाती है, उसको प्रोडक्शन का पता चलता है। मैं अब आपको इसका सॉफ्टवेयर एंड दिखाता हूँ, वो भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अपना डेवलप्ड है, बहुत डिटेल में सॉफ्टवेयर है, उसको हर्ड मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। फार्मर को A to Z अपनी प्रोडक्शन से लेके हेल्थ तक पता चलती रहती है। बेसिकली डेयरी फार्म के अंदर एनिमल्स जो हैं, काउज जो हैं, उनकी मशीन्स हैं, और उनकी प्रोडक्शन जानना उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सॉफ्टवेयर दिखाता हूँ। जरूर जी, मिल्की वे सॉफ्टवेयर जो है हमारा जी डेयरी फार्म्स के लिए कंप्लीट वन टू वन सॉल्यूशन है, जो आपको प्रोवाइड करता है दूध के कतरे से लेके उसकी हेल्थ के रिकॉर्ड तक। ये आपको सॉफ्टवेयर में नज़र आ रही है नोटिफिकेशन। बेसिकली हमारा सॉफ्टवेयर जो है ओनर को फिंगर टिप्स पर सारा डाटा प्रोवाइड करता है। आपको सॉफ्टवेयर के अंदर रियल टाइम नोटिफिकेशन मिल्की आती हैं, ये आप देख सकते हैं मिल्किंग अलर्ट्स हैं। इसी तरह से
एनिमल की जो रिप्रोडक्शन होती है, कब कौन सा एनिमल प्रेग्नेंट हो रहा है, कौन सा एनिमल हीट पे जा रहा है, वो सारा रिकॉर्ड भी आपको नजर आता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर 5 मॉड्यूल्स हैं, मिल्क प्रोडक्शन, हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन, फीड मैनेजमेंट, इन्वेंट्री एंड एम्प्लॉय मैनेजमेंट। आपका जो मिल्क का डाटा है वो तो आपको रियल टाइम मिल ही जाता है, इसके साथ साथ आपकी फीड को देखते हुए आप एनिमल्स को कितनी फीड दे रहे हैं और वो आपको क्या आउटपुट दे रहे हैं, ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है। इसके साथ साथ आपके एनिमल्स अगर बीमार हो रहे हैं तो उनको कब आपने क्या मेडिकेशन की थी उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रखता है। इसी तरह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट देता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो आपके फार्म के अंदर स्टॉक्स होते हैं, आपकी जो वन डे का स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके पास कोई भी फीड पड़ी है, हर चीज़ का स्टॉक भी आप मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। यूज़र को कहीं भी बैठे हुए रिमोटली ये सारा डाटा अवेलेबल होता है। और इसके साथ साथ जो आपके एनिमल्स हैं, आपके फार्म पे कितने एनिमल्स हैं, उनका क्या क्या रिकॉर्ड है, कौन से एनिमल के कितने बच्चे हैं, उसने कब ये बच्चे दिए थे, वो प्रोडक्शन क्या जा रही है, फीड कितनी कंज्यूम कर रहा है, वो अलग अलग जो है हमारे सॉफ्टवेयर में हमने चीज़ें डेवलप की। लगातार अलर्ट्स जो हैं वो नोटिफिकेशन आते जा रहे हैं जिसमें जी बिल्कुल जानवरों की हेल्थ के बारे में, दूध के बारे में, और फिर दूसरी चीज़ अकाउंट्स और सारी चीज़ें। अभी अमूमन कहा जाता है डेयरी के बारे में कि इसकी छुट्टी संडे को भी नहीं होती और ईद दिन जो ये ऐसे जगहों पर भी छुट्टी नहीं होती, ईद हो, फौद की हो या कुछ भी हो, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप कहीं भी जा सकते हैं और आपका सारा डाटा जितना भी है, दूध चोरी होने से लेकर और इस तरह की चीज़ें होने से लेकर, वो सारी रिकॉर्ड में आ सकती है। बिल्कुल ऐसी जी, ये इसके आपको दिखा रहा हूँ मैं 5 मॉड्यूल्स हैं, हर एस्पेक्ट पे नज़र रखी गई है। और फ्यूचर में हमारी कंपनी और बहुत सारी चीज़ें ला रही है डेयरी फार्मिंग ऑटोमेशन के अंदर। आपकी जो फीड के लिए TMR वैगन्स यूज़ की जाती हैं उनके ऊपर भी हमारा सिस्टम होगा, इसी सॉफ्टवेयर के अंदर वो डाटा भी आएगा। आपके चिलर्स में जो प्रोडक्शन जा रही है, टोटल प्रोडक्शन, वो भी आपके पास आ रही होती है, ऑलरेडी हम कर रहे हैं। इसके बाद एनिमल्स के ऊपर सेंसर्स लगाए जाते हैं, डायरेक्ट उनकी हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है, उनकी काविंग को मॉनिटर किया जाता है, कब वो बच्चा देने लगा है, ताकि आप प्रीएम्प्ट करके उसको बच्चे को बचा सके। इसी तरह से जब आप ये देखेंगे कि आप अपने अकाउंट्स को और अपने लोगों को भी मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की मदद से, इसमें मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन है, फीड मैनेजमेंट है, इन्वेंट्री और एम्प्लॉय मैनेजमेंट है। अब जो फीड है, आप किस जानवर को कितना दे रहे हैं उधर से आप कैलकुलेट करेंगे, और आपका जो दूध आ रहा है उसको वो कैलकुलेट करते हुए बताएगा कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, ताकि आप देख सकें कि मुझे प्रॉफिट हो भी रहा है या कोई आपका एनिमल नुकसान दे रहा है। इसी तरह एनिमल की जो रिप्रोडक्शन स्टेटस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखिए रिप्रोडक्शन से उसने नया बच्चा देना है, उसी से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़नी है। तो वो आपको ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर पूरे मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प आउट करते हैं, कब एनिमल काविंग करने वाला है, कब वो उसको आपने चेक करना है। 400 प्लस एनिमल का अगर हर्ड हो तो उसको मैन्युअली मॉनिटर नहीं किया जा सकता। तो हमारी कंपनी का इस प्रोडक्ट का पर्पज़ ही ये है कि जो ओनर है वो फिंगर टिप्स पे उसके सब कुछ, उसको किसी और के ऊपर रिलाय ना करना पड़े, और वो रिमोटली बैठ के, इस फार्म के जो ओनर हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं होते लाहौर में, तो उनको रिमोट कराची में सारा डाटा मिलता रहता है। तो ये बेसिकली यूज़र के लिए, उसकी एक तो ओनर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करता है और उसको रिमोट एक्सेस देता है। मुझे बताएं कि इसको प्लांट करने के लिए इंजेक्ट मशीन को कितने पैसे लगते हैं, अगर किसी बंदे के पास थोड़े से जानवर हैं, 15-20 हैं, लेकिन वो एक शहर में नहीं रुक सकता जहाँ पर ये चीज़ें हैं, उनको मैनेज करने के लिए मशीन लगाता है तो कितने पैसे लगेंगे। बेसिकली मेरा आज फोकस ये भी है कि जो छोटे लेवल पर डेयरीज हैं उनको कैसे मैनेज किया जा सकता है मैक्सिमम लेवल पर, ताकि वो एक्सपेंड हो सके। जी बिल्कुल, हमने देखें हमारा जो पर्पस था ना पाकिस्तान में इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने का और पायनियर बनने का, वो यही था कि हम कॉस्ट को कट करें। हम लोग बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, हमारे सिस्टम्स, ये तो जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये बड़ा सिस्टम है, हमारे पास छोटे फार्मर्स के लिए, जैसे आपने पूछा 15-20 वालों के लिए भी सोल्यूशन है, उसकी प्राइस बहुत नॉमिनल है, 60,000 से वो स्टार्ट हो जाती है और फिर सो ऑन, वो ऊपर तो आप जितने मर्जी ऊपर चले जाएं, लेकिन हमने बेस वर्जन्स भी बनाए और वो उन्हीं फार्मर्स के लिए हैं जो छोटे लेवल पे हैं, लेकिन वो भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके फ़ायदा उठा सकें। एज अ नेशन हम उनको भी फ़ायदा देना चाहते हैं ताकि वो फ़ायदा लें, और इंशाल्लाह प्लान हमारा ये है कि इसको एक्सपोर्ट भी किया जाए पाकिस्तान से बाहर भी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करवाया पाकिस्तान के अंदर, और मेड इन पाकिस्तान स्पेशल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और स्पेशली छोटे बिजनेस के लिए। अब तक के लिए इतना ही, देखते रहे द पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद।